मंगलवार को प्रदेश भर के साथ मथुरा जनपद में भी वैक्सीनेशन का व्यापक अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भी वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। यहां सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। आज मंगलवार को पूरे मथुरा जनपद में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 40,000 लोगों को आज कोरोना की डोज दी जाएगी। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मथुरा के शहर के बीचों बीच स्थित डैम्पियर के सरस्वती शिशु मंदिर दीनदयाल नगर में हैं और यहाँ भी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में यहाँ शिविर का आयोजन किया गया। पहले भी यहाँ शिविर लगाए गए, लेकिन आज मेगा कैंप यहाँ लगाया गया है। निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा, आप देख रहे हैं, शहर के बीच में है इसलिए यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है और स्कूल का जो स्टाफ है, यहाँ के अध्यापक अध्यापिका हैं, वही आप देखिए, अगर मैं बात करूँ दरवाजे पर जो टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज वो अपना जो सेवा भाव है उसको देखते हुए दरवाजे पर ही वो खुद में बैठे हैं। वहाँ से लोगों को जिनको वैक्सीन लेनी है उनका पर्चय पत्र देकर उनको अंदर आने दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं पूरे परिसर में भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो, उसके अनुसार सैकड़ों लोग यहाँ वैक्सीन के लिए आए, तो उनको पूरे विद्यालय परिसर में अलग अलग करके बैठाया गया है। क्यों, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लग रही हैं, भीड़ ज़्यादा है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सारे हॉल कमरे खोल दिए बरांडे में, क्यों बरसात का मौसम है तो लोग अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ भी इन्होंने मेज़ कुर्सी लगा कर बैरिकेडिंग है, यहाँ पर अध्यापक खड़े हुए हैं, लोगों से पूछते हैं, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो विद्यालय की जो अध्यापिका हैं वो रजिस्ट्रेशन में सहयोग कर रही हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उन्हें वैक्सीन के लिए, तो यहाँ कोरोना की फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लगाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ फर्स्ट डोज को लेकर है। आप देखेंगे यहाँ अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, फर्स्ट डोज का अलग, कोविशील्ड का अलग है, कोवैक्सीन का अलग है। और विद्यालय के प्रधानाचार्य जो हैं वो पूरा घूम घूम कर पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये प्रधानाचार्य जी, आइए उनसे बात करें। आपका शुभ नाम? मान सिंह राठौर। मान सिंह जी, आज जो यहाँ मेगा वैक्सीनेशन कैंप है, क्या व्यवस्थाएं हैं आपके विद्यालय में? हमारे व्यवस्था में जो भी विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से ठीककार से चल रही हैं और वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों का विधिवत तरीके से काम चल रहा है। तो कितने बजे शुरू हुआ यहाँ? ये हमने 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था और लगभग इस समय 370 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लेकिन लाइन लगी हुई है, भीड़ बहुत है। हाँ। और कितने बजे तक चलेगा? हाँ, ये उस दिन 30 तारीख को जो लगा था वो भी हमने 6 बजे तक चलाया था और 600 रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, 600 का ही के बाद ही बंद होगा हमारा। लेकिन आज तो लग रहा है कि आंकड़ा और आगे पहुँचेगा, फिर तो हम आगे 2-3 दिन बाद फिर हम कैंप लगा देंगे अपने विद्यालय के। आज भी लग रहा है कि काफ़ी संख्या में वैक्सीनेशन होगा। हाँ, 600 की हमारे पास डोज पर्याप्त रखी हुई है और 600 तक हम लगाएंगे और फिर भी अगर संख्या बढ़ती है तो आगे उनको हम समय देंगे। और व्यवस्था में सहयोग में कौन कौन आपके साथ यहाँ है? व्यवस्था में हमारे विद्यालय के माननीय व्यवस्थापक जी सुनील अग्रवाल और हमारे अध्यक्ष जी राजीव कृष्ण अग्रवाल और मंत्री जी हमारे श्री यादवन जी अग्रवाल, ये सभी उन्हीं की देखरेख में ये सारा काम। पूरा आपका विद्यालय का स्टाफ है? पूरा हमारे विद्यालय का स्टाफ है और जितने भी हमारी कुछ अनुसांगिक जो संस्थाएं हैं वो भी हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ये सारे काम। तो सुना यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने पूरा जानकारी दी है। अब यहाँ जो वैक्सीन लगवा कर आ रहे हैं लाभार्थी, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे जब उनको कोरोना की डोज यहाँ लग चुकी है तो कैसा अनुभव उन्हें हो रहा है। आइए आप वैक्सीनेशन रूम में ले चलते हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल जी। आपके वैक्सीन लग गई? हाँ सर, लग गई सर। कैसा रहा यहाँ का इंतजाम व्यवस्था? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं सर। अच्छा, वैक्सीन के लिए आप आ रहे हैं तो आपको क्या यहाँ पर लाना पड़ रहा है, प्रमाण पत्र आदि क्या देना पड़ा? आधार कार्ड और मोबाइल बस। तो उससे लग रही है? कितनी देर में नंबर आ गया? हो गया था करीब 3 घंटे हो गया। तो भीड़ ज़्यादा है यहाँ? भीड़ ज़्यादा, बहुत भीड़ है सर। भीड़ के बाद भी इंतजाम ठीक है, संतोषजनक? हाँ सर, बढ़िया सर, बढ़िया। तो देखा ये लोग आए बता रहे हैं कि 3 घंटे के लगभग इनका हुआ है, लेकिन फिर भी भीड़ के बावजूद भी इन्होंने बताया कि व्यवस्था यहाँ पर ठीक है और लोग आ रहे हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और वहीं देखते हैं जिनके वैक्सीन दी जा रही है। और ये माता जी हैं, देखिए बुजुर्ग हैं, इनको वैक्सीन दी गई है और पूरा व्यवस्था के अनुसार पर रजिस्ट्रेशन करा और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ आके इन्हें वैक्सीन दी जा रही है। माता जी क्या नाम है आपका? संतोष। आपको वैक्सीन लग गई?
कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी अभी तो। अच्छा, यहाँ के इंतजाम व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए वृद्धा है, काफी वृद्ध है और यहाँ आई अपनी बारी आने पर उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। तो कुल मिलाकर आज जो सरस्वती शिशु मंदिर दीनदयाल नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में लगाया गया, तो 600 वैक्सीन का यहाँ टारगेट दिया गया है और लग रहा है कि 600 लोग यहाँ आराम से वैक्सीन लगवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पूरी टीम लगी हुई है। विद्यालय का स्टाफ लगा हुआ है, प्रबंध समिति लगी हुई है, स्वयंसेवक लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज जो इनका लक्ष्य है वो अपने निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जी, 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।